अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सेल का लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक हमारा है एडवांस लॉजिकल इफ़, यानी कि पहले जो हमने इफ़ पे काम किया था, आज हम मज़ीद इफ़ पे और एडवांस लेवल पे आके काम करेंगे। तो आइए अपने एक्सेल की शीट की तरफ चलते हैं। अब देखें, ये शीट आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। हमने इस तरह का शीट हमने कुछ दिन पहले बनाया था, जिसमें हमने एक सिंपल सी मार्कशीट या रिजल्ट शीट बनाना था हमने। कुछ स्टूडेंट्स के नाम रखे हैं मैंने, इनके कुछ फर्जी नंबर्स दिए हैं, फर्जी सब्जेक्ट्स हैं, इनको सम करना है, टोटल मार्क्स कितने होंगे, परसेंटेज कितना है। परसेंटेज तक काम तो आपने कर लिया था आपने, और पास या फेल का भी काम किया था। एक दफ़ा आपका रिपीट दोबारा भी हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एक दफ़ा ऑप्टेंट कैसे किए हैं, टोटल कैसे, परसेंटेज कैसे मालूम किया है, इस बार रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए एक दफ़ा मैं इनको रिपीट भी कर रहा हूँ मैं। अब देखें, ऑप्टेंट मार्क्स मतलब इन सबको सम करना है। सम के लिए आप सिंपल फार्मूला इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करें, दरम्यान में क्लोज करें, और इसको स्टार्ट से आखिर तक क्लिक एंड ड्रैग करें। आप देखें ज़रा, इक्वल टू सम D5:J5, मतलब कि D5 जो कॉलम नंबर है J5 तक, सबको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। देखो सिंपल सम आ गया, क्लिक एंड नीचे तक ड्रैग किया तो ऑटो फिल के जरिए से सबका सब नंबर्स टोटल हो गया। अब टोटल करना है इनको हमने, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि टोटल 600 मार्क्स समझ लो कि टोटल हो गए। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, इक्वल टू ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय टोटल। आप मल्टीप्लाई पे 100 भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम परसेंटेज जो एक वैल्यू थी उससे मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला ये कर लिया मैंने, 0.75 समथिंग बन गया। आप देखें ज़रा, परसेंटेज पे क्लिक किया, देखें परसेंटेज शो कर रहा है हमें। ये हमने परसेंटेज नंबर फॉर्मेटिंग पढ़ा था, तो एक दफ़ा ये रिपीट हो गया। नीचे तक ड्रैग किया, इन सब में ऑटो फिल कर लिया, और परसेंटेज को भी जरिए से ऑटो फिल कर लिया, जरिए से यहाँ कर लिया मैंने। अब यहाँ एक काम करना है मैंने, लेकिन थोड़ा इशू आएगा। यहाँ ने परसेंटेज साइन तो लगा लिया, अब ग्रेड मालूम करना है, मतलब ग्रेड ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ए प्लस है, क्या है, वो ग्रेड मालूम करना है। ग्रेड का जो हमारे पास नॉर्मल जो रिंग लगाया हमने, कि भाई 80 80 और अबव ये होगा ए प्लस, ए प्लस होगा, और 70 और अबव, 70 या फिर उससे ऊपर जो होगा वो हमने कहा कि इसको बी प्लस है। इसी तरह 60 और अबव वो होगा इसका सी प्लस, और 50 और अबव ये होगा हमारे पास डी, सॉरी गलती हो गई मुझसे, ए ए यहाँ बी यहाँ सी सी, उसके अदर्स जो भी है वो होंगे एफ ग्रेड। वैसे सी सी ग्रेड कोई है ही नहीं, एफ है, हमने सबको एफ कर दिया हमने। इसके अलावा 50 से नीचे सारे मतलब एफ ग्रेड में आएंगे। अब यहाँ देखिए, हमें ग्रेड मालूम करना है, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है इक्वल टू, एक छोटा सा एरर आएगा देख लीजिएगा इसमें ज़रा, इफ़ लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट राइट ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्लिक कर लिया। मैं एक काम कर लेता हूँ, देखो फार्मूला पुट स्टार्ट किया हुआ मैंने, लेकिन यहाँ फार्मूला बार मार के एडिट कर लेता हूँ फार्मूला को, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी आसानी होगी। यहाँ क्लिक किया, अब मैंने सेलेक्ट किया परसेंटेज को, मैं सर एक चेक करके दिखाता हूँ। मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं 80 से ऊपर है बराबर है, तो भाई इसको कहा मैंने ए प्लस, कमास देंगे इसमें कॉमा के बाद, ए प्लस कमास क्लोज कॉमा इफ। अब देखिए ना, इफ के अंदर इफ यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग इसमें नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं। दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा ब्रैकेट क्लोज, याद रखिएगा ये ब्रैकेट्स क्लोजिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, इस वाले ब्रैकेट का स्टार्टिंग ये है, और क्लोजिंग इसका ये वाला है। अब यहाँ क्लिक किया, दोबारा सेम को सिलेक्ट करूँगा मैं, इस बार कहूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 कॉमा, तो 70 के लिए क्या रखा था हमने, ए रखा है हमने कॉमा, इसके बाद दोबारा एफ होगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, इसलिए इफ़ के अंदर इफ़ यानी कि नेस्टेड इफ़ यूज़ कर रहे हैं। इफ स्टार्ट किया, सेम परसेंटेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कहा मैंने कॉमा, और यहाँ क्या कहा इसको मैंने बी, बी स्टार्ट एंड क्लोज, दोबारा एफ स्टार्ट किया, दोबारा क्लोज किया, यहाँ इसको दोबारा क्लिक किया सेम पहले तरीके से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 कॉमा, इसको क्या कहा मैंने सी,
तो देखें जरा सी, अब मैं चाहता हूँ सी के अलावा जो भी हो सब एफ ग्रेड हो या फेल हो, तो मैं दोबारा एफ नहीं लाऊंगा, आखिरी एफ हमारा, उसका सेकंड कंडीशन लिख दूंगा मैं। यहाँ क्या कर दिया इसको मैंने, एफ ग्रेड। अब देखिए थोड़ा फार्मूला को समझें हो क्या रहा है। हमने कहा, मैं कह रहा हूँ अगर L5 की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू बड़ा है बराबर है 80 से, तो ए प्लस। और उसके जो फाल्स वाली कंडीशन में है, मतलब इसके फाल्स की कंडीशन में क्या हो रहा होगा, दोबारा एफ लग रहा होगा। तो दोबारा एफ लगाया, देखिए हमने एफ L5, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ा है बराबर है ए से, सॉरी बड़ा है बराबर है 70 से, तो ए ग्रेड। अब इसकी फॉल्स, मतलब अगर 70 या उससे ऊपर नहीं है तो ये अप्लाई होगा, तो क्या कहेगा, दोबारा चेक कर रहे हैं, इस बार 60 या उससे ऊपर है तो बी, और अगर यहाँ 50 या ऊपर से बड़ा है तो सी, नहीं तो फिर एफ। इन शॉर्ट फॉर्म दोबारा बता दूँ, हम क्या कह रहे हैं, अगर L5 यानी कि परसेंटेज की वैल्यू 80 या उससे ऊपर है तो ए प्लस, और अगर परसेंटेज की वैल्यू बड़ा है या बराबर है तो ए, और अगर परसेंटेज की वैल्यू बड़ा है या बराबर है तो बी, और अगर परसेंटेज की वैल्यू बड़ा है बराबर है 50 के तो सी, अदरवाइज फेल। यहाँ देख रहे क्या ग्रेड आया इसका, एफ ग्रेड आया। अब हालांकि तो परसेंटेज 75 है, ठीक है सही है, लेकिन फॉल्स क्यों आया? फॉल्स इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह इसको बाय डिफॉल्ट यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ये करना पड़ेगा, और इसके अलावा मुझे परसेंटेज का साइन यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ मैं, इसको जनरल कर देता हूँ मैं, या नंबर करता हूँ, उसके यहाँ से डिक्रीज डेसिमल पॉइंट्स कर देता हूँ मैं, तो ही मैं प्रॉपर रिजल्ट आएगा इसमें। ठीक है, परसेंटेज का साइन इसको किसी और तरीके से लगा देंगे, लेकिन देखिए जरा फिलहाल ये ए ग्रेड आ गया। वंस टाइम अगेन बता दूँ, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्लिक किया, लेकिन फॉर्मूला पुट यहाँ एडिट यहाँ कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 कॉमा, तो ए प्लस कॉमा, यानी कि और अगर कह रहे हैं इसको हम लोग, और यहाँ दोबारा वैल्यू सिलेक्ट कर ली, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस बार आएगा 70 कॉमा, तो क्या आएगा 70 से ऊपर है बड़ा, तो इसके लिए ए आएगा। इफ दोबारा स्टार्ट एंड क्लोज कर लिया, यहाँ आ गए, दोबारा इसको सिलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो 60 से ऊपर के लिए क्या है बी, और अगर दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे इसको, इस बार क्या देंगे 50 से ऊपर बराबर हो तो सी, अदरवाइज एफ। और ये देखिए ज़रा ए ग्रेड इसमें भी आ गया, आप समझ गए होंगे। तो बाकी जस्ट इसके लिए ड्रैग कर देता हूँ, देखिए ज़रा कुछ बी भी आया, कुछ ए भी आया, कुछ सी भी आया है इसमें। एक काम कर लेता हूँ, उनमें से किसी और को मार्क्स कुछ और कम कर लेता हूँ। आप देखिए ज़रा इसका 50 से कम आ रहा है तो ऑटोमेटिक एफ ग्रेड आ रहा है इसमें। तो देखिए ज़रा इस तरह आप नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगहों पे डिफरेंट फार्मूलाज के अंदर या डिफरेंट कंडीशन के अंदर हमें इस तरह नेस्टेड इफ़ यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। आपको याद होगा मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जब हम लोग पढ़ रहे थे एंड और पढ़ा था हमने, उसके अंदर आपको असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों ने ये जो मार्कशीट बनानी है, लेकिन यहाँ पे पास फेल मालूम करना है कि वो पास है कि फेल है, और पास और फेल इस तरह मालूम करना है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में, स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट में अगर 50 से कम मार्क्स या 40 का रख लें, जो भी आपके डिपेंड करता है, उससे कम है तो यहाँ एफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा ना हो कि यहाँ ए ग्रेड बन रहा हो तो यहाँ पास पक्का पक्का नहीं, यहाँ आपका फॉर्मूला ये बनेगा एंड को यूज़ करते हुए, एंड फंक्शन को यूज़ करते हुए साथ में इफ़ भी यूज़ करेंगे, अगर किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम मार्क्स हैं तो फेल होना चाहिए, चाहे दो में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता, तभी भी तभी एफ ग्रेड होना चाहिए उसका, यानी कि फेल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने असाइनमेंट दो रिवाइंड करा दिया आपको मैंने, तो आप इसको असाइनमेंट लाजिम कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको जहन में, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से, ईमेल के जरिए से, और स्काइप के जरिए से भी। आप हमारे इस पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हमारे लेक्चर्स आपको हर वक्त मिलती रहें, अपडेट आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।